खेल के क्षेत्र में प्रदर्शन किसी देश के सामर्थ्य और युवा शक्ति का प्रतिबिंब होता है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है, तो विश्व पटल पर विभिन्न खेलों में भारत की खेल प्रतिभाएं भी नित नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल के क्षेत्र में बड़े सुधारों की शुरुआत हुई। आज देश का खेल बजट 2014 के मुकाबले 3 गुना करीब 2500 करोड़ रुपए का है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स से हमारे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग, बेस्ट क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और फॉरेन एक्सपोजर के साथ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स साइंस, रिहैब प्रोग्राम और न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिला है। इस कारण भारतीय खिलाड़ियों की ओलंपिक्स में भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2028 के बाद के ओलंपिक के लिए भी युवा खिलाड़ियों को इस योजना में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया के माध्यम से छोटे शहरों और गांवों में युवा प्रतिभाओं की पहचान पर ध्यान दिया गया है। इस योजना के तहत हजारों खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, कोचिंग, डाइट, मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा का खर्च, कॉम्पिटिशन आदि सुनिश्चित किया जाता है। अब तक 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए जा चुके हैं, जिनसे बड़ी संख्या में युवा प्रतिभाओं की पहचान की गई है। मोदी सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और व्यापक बनाने पर काफी बल दिया है। देश भर में 300 नए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से काम हो रहा है, जिनमें से 130 बन भी चुके हैं। आज देश में करीब 2 दर्जन नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित हुए हैं और खेलों के साइंटिफिक पहलू को देखते हुए बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ भी नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेले वो खिले के मंत्र के साथ खेलों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया, तभी तो बड़े लक्ष्य तय करना, उन्हें हासिल करना और एक खेल संस्कृति बनाना ये पूरे देश ने ठाना। युवा खेल प्रतिभाओं को जब पहली बार बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका मिला, तो गांव, कस्बों और छोटे शहरों से निकलकर हमारे खिलाड़ी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार कीर्तिमान रचने लगे। फिर वो चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स हो या ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स। इस बार के एशियन गेम्स में देश ने संकल्प लिया, इस बार 100 बार। देश के संकल्प को हमारे खिलाड़ियों ने अपने जज्बे, लगन और प्रदर्शन से सिद्ध कर हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस बार एशियन गेम्स में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 से अधिक कुल 107 मेडल जीते, जिसमें से इस बार अब तक के सर्वाधिक 28 गोल्ड मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। 22 अलग अलग खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। खिलाड़ियों का सदैव उत्साह बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं हर मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। अमृत काल में जब भारत नए लक्ष्यों और संकल्पों के साथ तेजी से अग्रसर है, तो हमारे खिलाड़ियों के एशियन गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन ने पूरे देश को प्रेरणा दी है और नेशन फर्स्ट के भाव को प्रगाढ़ करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए उमंग और ऊर्जा से भर दिया है। जय हिंद।